जोन के अंदर प्रायोरिटी देने का, और ये उनके लिए काफी फेवर भी कर सकता है क्योंकि अभी ऑरेंज रॉक को प्लेयर्स, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को भी आना है, इवन बॉक्स के प्लेयर्स को भी आना है। और अगर आप दोनों एंट्रेंस पॉइंट की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी टीम्स मौजूद है, नोवा गॉड लाइक मौजूद है नॉर्दर्न तरफ, और ईस्टर्न साइड पे ऑलरेडी टीएसएम एंटिटी वेट करिए, बट फिलहाल अभी बीटीआर और टीम आईएनडी के बीच में एक बहुत ही संघर्ष होने वाली है, देखना पड़ेगा। ट्रांस एक का छोर पे होल्ड कर बैठे हैं, एग्जैक्ट सेम पोजीशन कर गए और ट्रांस को कर दिया है नॉक। अभी देखना पड़ेगा स्नैक्स क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे जोन के जोन के साथ चुलसते हुए बीटीआर के प्लेयर्स। यहां पे टीम आईडी स्नैक्स का बहुत शानदार एक नॉक भी यहां पे हम लोग को उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ, इंस्टेंटली रिट्रीट करेंगे बट स्लेयर अभी भी मौजूद है। राइजन का फुटस्टेप भी उन्होंने सुन रखा है और उनकी तरफ पुश इन करने की कोशिश करें। चौथा सर्कल है, एड्रेनलिन शॉट जरूर लेंगे, स्नैक्स यहां पे फर्स्ट एड लगाएंगे बट उसके पहले ही जक्स यहां पे पुश इन करने की कोशिश कर रहे थे, बेट आउट करने की कोशिश कर रहे थे और यहां पे गलत डिसीजन स्नैक्स की तरफ से देखने को मिलता हुआ जिसका यहां पे भुगतना पड़ा इनको। और टीम आईडी की 420 भी यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। बीटीआर बहुत ही शानदार फाइट लेती हुई बट अभी भी स्लेयर लड़ रहे हैं, स्लेयर ने एक और नॉक निकाला है, जक्सी का यहाँ पे किल भी जरूर कंफर्म करेंगे, लक्सी का किल इनफैक्ट इन्होंने कंफर्म करा। जक्सी और स्लेयर के बीच में एक 1v1 फाइट, कौन जीतने वाला देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अभी भी स्लेयर ने हार नहीं मानी है, क्या जक्सी को वो नॉकडाउन एंड यू कैन से आखिरी प्लेयर तो फिनिश कर सकते, 1v1 फाइट में जाती हुई वाली फाइट देखते हैं बीटीआर का स्क्वाड किस तरीके वाली फाइट निकालेगा। बट बाकी के उनके प्लेयर हो चुके फिनिश, राइजन एक आखिरी प्लेयर है जिनको रिवाइव करना, बट पीछे 420 ऊपर स्लैक्स ऐसे प्लेयर है जो टीम आईडी के फाइट निकालते हैं वो निकाल के जाएंगे, बट अभी स्लेयर ये वाली फाइट निकाल के जाएंगे बिकॉज जो एनिमेशन रहता है, बट ही डिड 1v3। जब तक अभी तक भिड़ंत हुए तो ऑब्वियसली टीम सीक्रेट के पास एक अपर एरिया अभी मेंटली जरूर रहता है। मीनवाइल बीटीआर के प्लेयर्स अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 किल्स हैं इस टीम के पास, लक्सी के पास एक किल है लेकिन इनका डैमेज भी अच्छा खासा 128 कर रहा है, इनकी वेस्ट पूरी की पूरी यहां पर फिनिश ऑफ हो रखी है बट अपने लिए एक नई वेस्ट जरूर ढूंढ लेंगे। आईएनडी अब बीटीआर से एक एंगेजमेंट करना चाहती है और आईएनडी धीरे धीरे प्लेयर्स उनके स्मोक्स कर रहे हैं आगे मूवमेंट देने के लिए। ट्रांस भी यहां पर आप देख सकते हैं, अभी उन्होंने कोई डैमेज वगैरह नहीं निकाला लेकिन धीरे धीरे जब फाइट्स में आएंगे जरूर निकालना चाहेंगे। लक्सी एक ग्रेनेड पुल ऑफ करना चाहते हैं, उनको प्लेयर्स की लोकेशन पता है, एक सही ग्रेनेड सही डैमेज दे सकता है। अगर आप मिनी मैप देखो तो टीम आईएनडी के लिए बीटीआर गेट कीप करिए, दैट मींस टीम आईएनडी को आना पड़ेगा कुछ भी हालत में बिकॉज़ जोन शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। छड़ा जोन है, सातवें जोन में फाइट होनी लास्ट में, उसके चलते जक्सी ने नॉकडाउन करा एंड फिनिश, देखते कितनी देर में करेंगे बट 420 ओपनिंग एक निकालते हुए T1 के मिसाइल के नाम की बीटीआर के जक्सी हो चुके हैं नॉकडाउन बिकॉज लोकी का एक ग्रेनेड गया था। अब टीम आईएनडी अगर ये पोजीशनिंग पड़ी होगी, किल फीड पड़ी होगी तो वो लोग किसी भी टाइम पे पुश करते हुए नजर आते, बट एक ग्रेनेड जरूर फेंका था स्लेयर ने बट बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ माइक्रो बॉय को ग्रेनेड पुल करता हुआ नजर आया था और उनको डैमेज भी पड़ा, बट लुइस और लोकी पीछे थर्ड पार्टी कर सकते हैं माइक्रो बॉय के ऊपर, बट टीम आईएनडी यही एक चांस है अगर आपको वाली फाइट निकालने बिकॉज बीटीआर एक सैंडविच पोजीशन में, अगर बॉक्स का स्क्वाड ऊपर आएगा तो टीम आईएनडी के लिए उतनी मुसीबत रहेंगे। बट जक्सी का किल ट्रांस खत्म करते हुए विदाउट एनी मिस्टेक, बट माइक्रो बॉय उनको भी नॉकडाउन करके टीम आईएनडी ट्रांस ही वांट टू गो अनस्टॉपेबल बिकॉज अब ये फाइट वापस से लक्सी क्या निकाल पाएंगे कि नहीं, बट ऊपर 420 ओपी हो जाएंगे नॉकडाउन, हाई ग्राउंड एडवांटेज जरूर था 420 के ऊपर बट लक्सी ने वाली फाइट निकाली, स्नैक नॉकडाउन करेंगे बॉक्स के लुइस को, 420 हो जाएंगे फिनिश, बट टीम आईएनडी वाली फाइट निकाल के जाते हुए लोकी आखिरी प्लेयर बचे, क्या टीम आईएनडी ये हिल वाली जो फाइट है निकाली बट